आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? ओके, तो आज भी आपकी प्रैक्टिकल की ही क्लास होनी है, बॉटनी प्रैक्टिकल। और पिछली क्लास में आपको काफी कुछ बताया भी जा चुका है कि किस तरीके से आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा और उसमें आपको क्या क्या करना होगा। तो जैसे कि आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वो 50 मार्क्स का होगा, और आपको ये भी बताया गया था कि कौन से टॉपिक से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। और आपको पता ही है कि आपको कैसे प्रैक्टिकल एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि आपको रिकॉर्ड वगैरह भी बताया जा चुका है कि आपकी प्रैक्टिकल फाइल वगैरह बनेगी, कॉपी बनेगी और स्पॉटिंग की कॉपी बनेगी। तो पिछले टॉपिक में, मतलब ये पिछली क्लास में ये चीज बताई जा चुकी है कि आपके जो 1 से 6 क्वेश्चंस होंगे उनको आपको कॉपी पे भी लिखना होगा और प्रैक्टिकल भी करना होगा, आपको स्लाइड भी टेम्परेरी बनानी होगी। तो प्रैक्टिकल एग्जाम करने के लिए या प्रैक्टिकल क्लास के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए होती हैं जो आपके पास में होनी चाहिए। आज मैं आपको वो भी बताऊंगी और किस तरीके से कॉपी फाइल वगैरह बननी है आपकी वो भी दिखाई जाएगी आपको। और सभी को आवाज सुनाई तो दे रही है ना? तो जैसा कि आपको अभी आपको स्क्रीन दिख रही होगी, उस पे बुक का नाम और फाइल वगैरह सब लिखा हुआ है, दिख रहा है सभी को? ओके, तो जैसा कि आपकी जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो बुक है वो टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी है, प्रैक्टिकल बॉटनी बेंद्रे कुमार की है, और उसका पब्लिकेशन जो है वो रस्तोगी पब्लिकेशन है। तो ये जो बुक आपको मैंने अभी बताई है प्रैक्टिकल की, इसमें आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड सभी कंटेंट मिल जाएगा, चाहे वो फाइल का हो या वो प्रैक्टिकल कॉपी का हो, आपको सब कुछ इसमें मिल जाएगा। तो ये आपको लेनी पड़ेगी क्योंकि प्रैक्टिकल क्लास करने के लिए आपके पास में प्रैक्टिकल बुक होना बहुत जरूरी है। और क्योंकि अगर आपके पास में प्रैक्टिकल बुक नहीं होगी तो जो भी चीजें मैं बताऊंगी करने के लिए आपको फाइल में या कॉपी में, तो वो आपको दिक्कत होगी उसे ढूंढने में और लिखने में। और ये जो बुक है इसमें आपको डायग्राम्स भी मिल जाएंगे और जो कमेंट्स वगैरह आपको लिखने हैं, जो भी प्लांट के जनरल कैरेक्टर्स वगैरह होंगे, जिनके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि कौन से प्लांट मटेरियल में कौन सा आइडेंटिफिकेशन पॉइंट होता है, मतलब क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है जिसके बेस पे आप प्लांट को आइडेंटिफाई करेंगे, ये सारी चीजें आपको इस बुक में बहुत अच्छे से मिल जाएंगी। और जैसा कि आपको रिकॉर्ड में भी मैंने बताया था कि आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, कॉपी बनानी है और स्पॉटिंग की कॉपी बनानी है, तो वो भी तीनों चीजें आपको अभी दिखाई जाएंगी। और डिसेक्शन बॉक्स होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो भी आपको मतलब स्लाइड वगैरह बनानी होगी प्रैक्टिकल करने के लिए बॉटनी में, तो उसमें डिसेक्शन बॉक्स में जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं वो काफी आपके मतलब काम आएंगे, और इसके बिना आप स्लाइड नहीं बना सकते। तो आपको एक डिसेक्शन बॉक्स लेना होगा और एप्रन लेना होगा। तो जब आपके पास में ये सारी चीजें होंगी तभी आप प्रैक्टिकल का काम कर पाएंगे, और प्रैक्टिकल की क्लासेस में जो भी आपको बताया जाएगा वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इसीलिए मैंने आपको दिक्कत ना हो फाइल वगैरह देखने में कि मतलब कैसी बनेगी, तो मैंने एक इमेज फाइल की भी डाली है। इस तरीके से आपको बॉटनी की और जूलॉजी की फाइल्स वगैरह मिल जाएंगी, तो ऐसी फाइल ले लीजिएगा क्योंकि सबसे पहले आपका प्रैक्टिकल में फाइल ही बनवाई जाएगी। और नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं दिखा रही हूँ कि जो प्रैक्टिकल फाइल होगी वो किस तरीके से बनेगी और कैसे पेजेस वगैरह उसमें यूज होंगे। तो ये जो इमेज है इसमें आपको दिख रहा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे मतलब लाइनिंग वाले पेजेस हैं जिसपे आपको प्लांट मटेरियल के जो भी जनरल कैरेक्टर्स होंगे वो लिखने होंगे,
और राइट हैंड साइड पे आपको डायग्राम बनाने के लिए पेज मिल रहा है, जिससे आपको जो भी प्लान मटेरियल दिया जाएगा उसका आपको डायग्राम वगैरह बनाना होगा। और इमेज में आपको ये भी दिख रहा होगा कि जो कमेंट वाला पेज है उस पे लिखना किस तरीके से है आपको, वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे सबसे पहले आपने हेडिंग देखी, साइकस पढ़ी है, वो जो साइकस पढ़ा है वो आपका जीनस है, मतलब कौन से प्लांट से आपको मटेरियल दिया गया है, वो साइकस मटेरियल है। और उसकी उसका मतलब कौन सा पार्ट है, तो वो लीफ का है, टीएस ऑफ लीफलेट पड़ा है। तो ये जो टीएस ऑफ लीफलेट पड़ा है ये आपके डायग्राम का नाम है, जो मतलब आपको उधर राइट हैंड साइड पे पेज पे डायग्राम दिख रहा है, वो आपका जो डायग्राम है वो साइकस की लीफलेट का टीएस है, सेलुलर स्ट्रक्चर है। तो पहले आप कमेंट वाले पेज पे सबसे पहले तो प्लांट का नाम और डायग्राम जो है वो लिखेंगे। फिर उसके बाद में आपने देखा है ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, स्टडी ऑफ एनाटॉमी ऑफ लीफलेट। तो इसमें आपको जो टीएस डायग्राम है आपका वो आप दिख रहा होगा, उसी से रिलेटेड मतलब जो भी चीजें आपको पढ़नी है वो आप पढ़ोगे। सभी को आवाज क्लियर आ रही है ना? ओके, तो फिर उसके बाद में जो भी उसके जो भी कमेंट हैं वो दिए हुए हैं, पूरा कमेंट जो आपको लिखने हैं वो आपको बुक में मिल जाएंगे, जो बुक मैंने बताई है उसी से ही सारे कमेंट्स लिखे हुए हैं। और ये जो कमेंट लिखे हुए हैं इनके बेसिस पे ये चीज क्लियर होती है कि जो जो आपको प्लांट मटेरियल दिया गया है वो साइकस की लीफलेट की है। और कमेंट्स आपको इसी तरीके से लिखने होंगे जिस तरीके से इसमें फाइल में आपको दिख रहे हैं, उसी तरीके से लिख के फिर राइट हैंड साइड पे आपने देखा होगा डायग्राम बनाया है, एक बनाया है आउटलाइन का और एक बनाया है सेलुलर। तो इसी तरीके से आपको डायग्राम ड्रॉ करने होंगे, और ये जो जो डायग्राम है ये आपको उसी प्रैक्टिकल बॉटनी बुक में, बेंद्रे कुमार वाली बुक में ऐसे ही क्लियर बने हुए मिलेंगे। और जैसा कि आपको दिख रहा है कि जो आउटलाइन वाला डायग्राम है वो भी बना हुआ है और सेलुलर स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। तो बेटा प्रैक्टिकल का जो सिलेबस होता है, मतलब प्रैक्टिकल में जो भी आप डायग्राम बना रहे हो उसमें सेलुलर डायग्राम ही बनते हैं, और सेलुलर स्ट्रक्चर सेम ऐसा ही आपको दिखेगा। जैसे कि मान लीजिए प्रैक्टिकल एग्जाम में भी अगर आपके ये क्वेश्चंस आते हैं तो इसी फॉर्म में आपको लिखना होगा, मतलब आपको डायग्राम भी बनाना होगा और आपको मतलब डिस्क्राइब भी करना होगा कि कौन सा प्लांट मटेरियल। नेक्स्ट स्लाइड आपको मैं दिखा रही हूँ, ये आपकी वर्किंग की कॉपी जो मैंने आपको बताया था, आपकी एक प्रैक्टिकल की वर्किंग की कॉपी बनेगी, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि मतलब जब एग्जाम में प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे 1 to 6 वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि जिम्नोस्पर्म से मटेरियल मिलेगा, टेरिडोफाइटा से मटेरियल मिलेगा, एल्गी से मिलेगा, फंजाई से मिलेगा, ब्रायोफाइटा से मिलेगा और माइक्रोबायोलॉजी से मिलेगा, ये 6 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल में रखे जाएंगे। इन 6 क्वेश्चन में से आपको मैंने बताया भी था पिछली क्लास में कि जिम्नोस्पर्म्स में भी 3 मटेरियल मैंने बताए थे पढ़ने होंगे आपको, किस तरीके से टेरिडोफाइटा में भी 3 मटेरियल मैंने आपको बताए थे, एल्गी में भी 7 बताए थे, फंजाई में भी बताए थे, ब्रायोफाइटा में भी बताए थे और माइक्रोबायोलॉजी में भी आपको मैंने बताए थे मटेरियल। तो वो जो मटेरियल मैंने आपको बताए थे वो सारे मटेरियल इसी तरह से इसी फॉर्म में लिखे जाएंगे कॉपी से। पहले आपको लिखना बताया जाएगा, इसी तरीके से आपको लिखवाया जाएगा जो आपकी प्रैक्टिकल की वर्किंग की कॉपी बनेगी, ताकि जब आपको एग्जाम में मटेरियल दिया जाए तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। तो जैसे ये जो 1 to 6 क्वेश्चन थे इसमें आपको प्लांट मटेरियल जैसे दे दिया गया, साइकस की भी दे दी गई आपको, तो आप उसका मतलब थिन सेक्शन कट करेंगे, और थिन सेक्शन कट करने के बाद जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे उसे लगा के स्लाइड को अपनी, तो बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको दिखेगा जैसा ये लेफ्ट साइड पे डायग्राम बना हुआ है, सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको माइक्रोस्कोप में दिखेगा। और इस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा कि काफी सारी चीजें मतलब नेमिंग करी गई है, क्यूटिकल है, एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है,
तो इसी तरीके से एक इसमें आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज। तो ये जो ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज होते हैं बेटा, ये इस प्लांट मटेरियल का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। इसके बेसिस पे आप मतलब आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है माइक्रोस्कोप में, ये साइकस की लीफलेट है। तो जब आप पहचान लोगे तो सेम आपको ऐसा ही डायग्राम अपनी प्रैक्टिकल कॉपी पे ड्रॉ करना होगा, और इसी तरीके से नेमिंग वगैरह करके और ऊपर उसका साइज में क्लासिफिकेशन लिखना होगा, और टीएफ का मतलब डायग्राम है वो आपको बताना होगा, और आपको उसके कमेंट्स लिखने होंगे। सेम यही यही चीज जो आपको अभी कॉपी पे दिख रही है, इसी फॉर्म में आपको अपनी प्रैक्टिकल कॉपी पे ये क्वेश्चन करना होगा। और जब आप इस क्वेश्चन को इसी तरीके से कर लेंगे तो आपको 6 मार्क्स जो आपके इस क्वेश्चन के हैं वो मिल जाएंगे। नहीं बेटा, कमेंट्स के लिए फाइल वगैरह में आप जिस भी लैंग्वेज में लिखना चाहो लिख सकते हो, वैसे इंग्लिश ज्यादा बेटर रहेगी। बाकी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको बुक बताई है उसमें इसी फॉर्म में आपको मिलेगा। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आपके बताया था मैंने कि ये इस तरीके से करना होगा, तो इसी तरीके से ये जो आपकी कॉपी आपको दिख रही है इसमें अभी आपको साइकस का ही मैंने एक डायग्राम दिखाया है कि किस तरीके से कमेंट लिखे हैं, किस तरीके से डायग्राम बना हुआ है। सेम इसी प्रोसेस से, सेम इसी तरीके से आपको पूरी कॉपी कंप्लीट करवाई जाएगी जो भी मटेरियल मैंने आपको बताए थे। तो जब ये कॉपी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो जब आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में कोई भी मटेरियल दिया जाएगा तो आपको पता होगा उस टाइम से कि आपको किस तरीके से करना है। इसी तरीके से जैसे ये मटेरियल तो आपका जिम्नोस्पर्म में आ जाता है, इसी तरीके से आपका टेरिडोफाइटा में भी कुछ मटेरियल मैंने बताया था, जैसे लाइकोपोडियम है, स्लैजनेला है, तो उसी तरीके से उनके भी डायग्राम्स वगैरह बताऊंगी मैं। तो जब आपकी प्रैक्टिकल की कॉपी वगैरह बनेगी तब डिटेल में मैं आपको समझा दूंगी। इसी तरीके से मैंने आपको अभी एक डेमो दिखाया है, मतलब आपको कॉपी किस तरीके से तैयार करनी होगी ताकि आपको मतलब बाद में दिक्कत ना हो जब मैं आपको डायग्राम्स वगैरह बताऊं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके से काम करना है। तो ये आपने देख ही लिया कि वर्किंग की कॉपी में आपको जो भी मैंने पिछली क्लास में आपको मटेरियल बताया थे, प्लांट मटेरियल जिम्नो के, टर्डो के, एलगी के, फंजाई के, तो ऐसी ही मतलब कॉपी बनेगी। सेम इसी तरीके से डायग्राम्स बनेंगे एक साइड से, और एक साइड से उसके कमेंट्स लिखे जाएंगे। इतना सभी को समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, किसी को कुछ पूछना है? अगर हेलो पूछना है तो बॉक्स में मतलब मैसेज करें आप। मैम, हाँ कौन? हेलो। हेलो मैम, हाँ बेटा बोलिए। ये जो आपने प्रैक्टिकल बुक बताई है, जे हम न्यू खरीदें या फिर पुरानी मिल जाए तो? जैसी भी आप खरीद पाए, अगर आप न्यू खरीद सकते हैं तो न्यू ले लीजिए, नहीं तो आपको अगर पुरानी अवेलेबल हो रही है तो आप पुरानी ही ले लीजिए, उसमें कोई पानी दिक्कत से नहीं। कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपके पास में जब आप प्रैक्टिकल करने आए तो आपके पास में जो मैंने सामान बताया है, जैसे प्रैक्टिकल बुक है, एप्रन है, डिटेक्शन बॉक्स है, फाइल है, ये सारी चीजें आपके पास में होनी चाहिए। जी मैम, अब अपना माइक जो है म्यूट कर लीजिए। और किसी को कुछ पूछना है? अभी तक मैंने फाइल का बता दिया आपको कि फाइल कैसे बनेगी और प्रैक्टिकल कॉपी। हेलो हेलो मैम, मुझे ये जानना था कि बुक जो है हिंदी में बेटर रहती है या इंग्लिश में बेटर रहती है? अगर आपको हिंदी में पढ़ने में आसानी लग रही है तो आप हिंदी की लीजिए, अगर आपको इंग्लिश में पढ़ने में आसानी लगती है तो आप इंग्लिश की लीजिए। लैंग्वेज आप कोई सी भी सेलेक्ट करिए, बस आपको लिखनी सही चीज है और पता सही चीज होनी चाहिए। जी, ठीक
प्रैक्टिकल फाइल आपको कॉलेज के पास में भी मिल सकती है, और अगर आपको कहीं और भी अवेलेबल होती है ऐसी फाइल तो आप ले सकते हैं। वैसे जो आपका कॉलेज है एसएस कॉलेज, उसके नीचे एक शॉप पड़ती है गुप्ता जी की, उनके यहाँ सभी सामान आपको आसानी से मिल जाएगा। हाँ बेटा लिख सकते हैं, बट फाइल में आप कोशिश करिएगा कि कमेंट्स जो हों वो इंग्लिश में हों। बाकी आपको जो प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको जो कंटेंट लिखना होगा वो आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, और जो प्रैक्टिकल कॉपी बनेगी उसमें भी आप किसी लैंग्वेज में लिख सकते हो, मिक्स लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो। हाँ बेटा कलर पेन यूज कर सकते हैं, और आपको दिख भी रहा होगा कि जो डायग्राम बना है प्रैक्टिकल कॉपी में वो कलर्ड पेन से ही बना है, लेकिन जो आपको पिछली इमेज मैंने दिखाई थी प्रैक्टिकल फाइल उसमें आपको सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन यूज करना है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैंने इसीलिए स्लाइड लगा दी आपकी इसीलिए, और जो डायग्राम बनेगा वो पेंसिल से ही बनेगा, प्रैक्टिकल फाइल में कलर्ड पेन यूज नहीं करना है। कमेंट बेटा आपके जो होंगे, जो पेज होगा कमेंट का, वो आपको फुल मतलब डिस्क्राइब करना होगा, पेज खाली नहीं होना चाहिए फाइल का, जितने कमेंट आप लिख सकते हो उस पेज पे आप उतने कमेंट लिख सकते हो। और आपको दिख ही रहा होगा जो मैंने आपको स्लाइड दिखाई है उसमें भी फुल पेज कमेंट है, तो इसी तरीके से आपको लिखना होगा। और कुछ किसी को पूछना है? अब आपके 1-6 क्वेश्चन तो क्लियर हो चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था जिम्नोस्पर्म से लेकर माइक्रोबायोलॉजी तक की मैंने आपको वर्किंग कॉपी समझा दी है, इस तरीके से डायग्राम बनेगा और इस तरीके से आपको कमेंट लिखने होंगे। सभी को समझ में आ गया होगा? हाँ बेटा लेबलिंग भी जो आपको करनी है वो आपको पेंसिल से ही करनी होगी, फाइल में डायग्राम वाले पेज पे टोटल पेंसिल यूज होगी, पेन यूज नहीं किया जाएगा। बेटा वो आपको बता दिया जाएगा जब आपको फाइल वगैरह बनानी होगी, जिस तरीके से अभी मैं आपको सिर्फ चीजें बता रही हूँ, समझा रही हूँ कि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या क्या चीजें करनी है, उसी तरीके से मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको कब स्टार्ट करना है बस, और कैसे कैसे करना है, और कौन से टॉपिक पहले आपको करने हैं, कौन से टॉपिक आपको बाद में करने हैं, वो सब आपको बताया जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, दिख रहा होगा सभी को, मैंने आपको 7th क्वेश्चन में आपको स्पॉटिंग बताई थी, तो पता होगा आपको कि स्पॉटिंग जो है वो मैंने बोला था कि स्पॉट आपको कोई सा भी एग्जाम पहले आपको जब क्लास में दिखाए जाएंगे तो स्पॉटिंग करवाई जाएगी आपको, तो आपको सभी मटेरियल दिखाए जाएंगे और उनका नाम भी बताया जाएगा, उनका आइडेंटिफिकेशन पॉइंट भी आपको बताया जाएगा, और आप स्ट्रक्चर देख के पहचानिएगा उन चीजों को, कम से कम एक स्पॉट 2-3 बार आपको दिखाया जाएगा, रिविजन भी होता है। फिर आप जब आइडेंटिफाई करने लगेंगे तो फिर उसके बाद में जब आपको एग्जाम में मटेरियल मिलेगा तो हेलो आवाज आ रही है बेटा? माइक वगैरह आप अपना अभी बंद रखें, जब आपसे बोला जाए तभी आप अपना माइक ऑन करें या वीडियो ऑन करें। तो आपको स्पॉटिंग के मैंने बताया कि आपको जब एग्जाम में आपको स्पॉट मिलेगा तब आपको नाम वगैरह नहीं दिखाया जाएगा उसका, लेकिन जब क्लास में आपको समझाया जाएगा और सिखाया जाएगा स्पॉटिंग कैसे करनी है तो आपको उसका नाम भी बताया जाएगा, आइडेंटिफिकेशन पॉइंट भी बताया जाएगा, और आपको मतलब टाइम भी दिया जाएगा कि इतने टाइम में आपको कमेंट लिखने हैं, किस तरीके से आपको क्लासिफिकेशन लिखना है, ये सारी चीजें आपको डिटेल में बताई जाएंगी। जैसा कि आपको दिख रहा है मैंने बोला था स्पॉटिंग की कॉपी भी आपकी बनेगी, तो जितने भी स्पॉट आपको दिखाए जाएंगे वो सारे स्पॉट आपको उसी तरीके से एक कॉपी प्रिपेयर करनी होगी, जैसे कि ऊपर पड़ा हुआ है स्पॉट नंबर 1, तो जो भी आपको पहला स्पॉट दिखाया जाएगा जैसे इसमें टाइकअप की कोलराइड रूट दिखाई गई है तो वो आपको लिखना पड़ेगा, फिर उसके कैरेक्टर्स लिखने पड़ेंगे कि शेप, और कोशिश करिएगा कि शेप और साइज ना मेंशन करें कमेंट में,
कमेंट में वो चीजें आपको लिखनी है, जनरल कैरेक्टर्स लिखने हैं प्लांट के, जिनसे आप बताओ कि ये जो प्लांट मटेरियल हमें मिला है ये इन इन कमेंट्स के बेस पर हम ये चीज कहते हैं कि ये जो मिला हुआ मटेरियल है ये साइप्रस की क्लोराइड रूट है। तो इस तरीके से आपको कमेंट्स वगैरह लिखने होंगे और नीचे क्लासिफिकेशन लिखना होगा, और इसी तरीके से आपको जो भी स्पॉट दिखाए जाएंगे इसी तरीके से सीक्वेंस में आपको कॉपी बनानी होगी, और फिर जो आपकी कॉपी बनेगी स्पॉटिंग की कंप्लीट, उसी में से आपको एग्जाम में कोई से भी 5 स्पॉट दे दिए जाएंगे जिनको आपको पहले दिखाया जा चुका होगा, और आप उन्हें पहचान के उनका आइडेंटिफिकेशन पॉइंट आपको पता ही होगा, आप अपने अकॉर्डिंग फिर उसको लिखेंगे। इसी तरीके से यही तरीका होगा आपका कॉपी में लिखने का एग्जाम की। और स्पॉटिंग का टाइम दिया जाता है बेटा, तो टाइम में ही आपको स्पॉटिंग करनी होगी, तो इसके लिए आपको काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि ये जो 5 कमेंट है क्लासिफिकेशन है ये आपको उसी टाइम के अंदर करनी है, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, एग्जाम वगैरह आता है, वाइवा भी आपका हो रहा होगा, फिर आपको स्पॉटिंग भी करवाई जा रही होगी, आपको वर्किंग का भी काम करना होगा, तो सारी चीजों का टाइम जो होता है वो फिक्स होता है, उसी टाइम में आपको इसमें कमेंट्स लिख लेने होंगे और नाम वगैरह लिख के क्लासिफाई कर देना होगा मटेरियल को। सभी को समझ में आ गया? अब किसी को भी फाइल या वर्किंग कॉपी या स्पॉटिंग कॉपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर पूछना हो तो चैट बॉक्स में मैसेज कर दें। और मैंने आपको फाइल की इमेज और कॉपी की इमेज और स्पॉटिंग की कॉपी की इमेज इसीलिए दिखा दी ताकि अब आपको मुझे लिखने का तरीका नहीं बताना पड़ेगा, आप इसको देख लीजिए समझ लीजिए और इसी तरीके से आपको आगे काम करना पड़ेगा, और आपको बताया भी जाएगा वर्किंग का भी काम, फाइल का भी काम और स्पॉटिंग का भी काम। और अब कॉपी में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपको सभी चीजें दिखाई जा चुकी हैं कि किस तरीके से आपको कॉपी लेनी है और किस तरीके से आपको लिखना है। अब आपको पता भी चल गया होगा कि आपके जो 50 नंबर होते हैं 50 मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल के, वो आपको कैसे मिल सकते हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी तो आपका है कि आप क्लास में रेगुलर रहें, क्योंकि अगर आप रोज क्लास अटेंड करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको कैसे क्या करना है। स्पॉटिंग के लिए आपको बेटा 1 से 2 मिनट दिया जाएगा एक स्पॉट के लिए, और उतने में ही आपको करना होगा। स्पॉटिंग की कॉपी पे बेटा डायग्राम बनेगा, रफली स्ट्रक्चर बनता है जैसा आपको दिख रहा हो उस टाइम पे स्पॉट पे। जब आपको स्पॉट दिखाया जाएगा तो आपको जो भी स्ट्रक्चर दिख रहा है उसका आप रफली डायग्राम बना सकते हैं। और कुछ पूछना है किसी को? बाकी अब आपको जो मैंने प्रैक्टिकल का सिलेबस बताया था अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करके आपके 50 मार्क्स होंगे और कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपको करने के लिए, और उस क्वेश्चन में आपको क्या क्या करना होगा वो भी मैंने आपको बता दिया है, और वर्किंग स्पॉटिंग की कॉपी कैसे बनेगी वो भी आपको बताई जा चुकी है, और फाइल में किस तरीके से काम करना है वो भी आपको मैंने बता दिया है। किसी को अगर कुछ ना समझ में आया हो तो वो पूछ सकता है। और सभी लोग ये चीज ध्यान रखें कि ये जो मैंने इमेज दिखाई है इसमें एक बिल्कुल क्लियर है कि फाइल में जो आपका डायग्राम है वो पेंसिल से ही बनेगा, उसकी नेमिंग भी पेंसिल से ही होगी, और जो भी नाम लिखा जाएगा बिल्कुल एग्जैक्टली वही मेथड आपको यूज करना है जो मैंने आपको दिखाया है। ये चीज बहुत ही ध्यान रखने वाली होती है कि कमेंट का जो पेज है उसमें जो नाम पड़ता है डायग्राम का और प्लांट मटेरियल का वो ऊपर पड़ता है, और फाइल में जो डायग्राम वाला पेज होता है उसमें आप देख रहे होंगे कि साइटकस सीएस ऑफ लीफलेट नीचे लिखा गया, तो बिल्कुल यही मेथड होगा आपको लिखने का। आप बहुत अच्छे से देख लीजिए।
मैम ये ऑनलाइन कराया जाएगा या कॉलेज में बुला के कराया जाएगा प्रैक्टिकल वगैरह? अगर क्लास की परमिशन मिलती है तो आपको यहीं पे करवाया जाएगा लैब में, अदरवाइज आपको सभी काम ऑनलाइन ही करवाया जाएगा। मैम मैम हेलो हेलो मैम, हमने प्रैक्टिकल फाइल बनाई जियोलॉजी की। क्या बेटा फिर से बोलिए। मैं हमने जियोलॉजी की प्रैक्टिकल फाइल बनाई हुई है, जरा देख लीजिएगा। बेटा ये सब आप जियोलॉजी वाले सर को दिखाइएगा, अभी उनकी क्लास होगी तब आप दिखा लीजिएगा। ठीक है आपको अगर इस क्लास से रिलेटेड या पिछली क्लास जो हुई थी बॉटनी प्रैक्टिकल की, इससे रिलेटेड अगर कुछ पूछना हो तो पूछिए। जी और अगर आप समझ में आ गए हो तो अच्छी बात है। ठीक है। हेलो मैम, प्रैक्टिकल की फाइल अभी से ही बनानी शुरू कर दें? बेटा आपको बताया जाएगा, जब आपको बताया जाएगा तब आप बनाना स्टार्ट करिएगा। अभी तो मैंने सिर्फ आपको प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड बताया है, क्या क्या चीजें बननी है, और मैंने ये बताया है कि आपको जो 50 मार्क्स हैं वो किस तरीके से मिलेंगे, कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे और किस किस तरीके से आपको करना होगा। उसी तरीके से जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको फाइल बनानी है या कॉपी बनानी है या क्या करना है। यस मैम। यस मैम। और किसी को कुछ पूछना है?